हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इंटीग्रेशन की टाइप सेकंड। तो टाइप टू में आज हम थर्ड सम देखेंगे। तो ये काफ़ी देखने में टफ सा क्वेश्चन लग रहा है। तो ये क्या है इंटीग्रेशन, ये क्या है एक्स की पावर 3 और ये क्या है अंडर रूट 3 प्लस 5 एक्स की पावर 4 और साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखने में ये देखिए यहाँ पर x की पावर 4 है। अगर हम इसको पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 बन जाएगी। तो यही तो हमें चाहिए, तो इससे हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से पुट करके देखेंगे। पुट करेंगे, मैं सभी को पुट कर देता हूँ। 3 प्लस 5 एक्स की पावर 4, इस सभी को मैं टी पुट कर लेता हूँ। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि ये कांस्टेंट 3 है, 3 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, इसका आ जाएगा 0 प्लस 5, तो इसका क्या है 4, एक्स की पावर 4, 4 आगे आ जाएगा और एक पावर जो है वो कम हो जाएगी और ये बन जाएगा डी टी बाय डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा 20 एक्स की पावर 3 और ये डी एक्स इधर चला जाएगा तो डी एक्स, तो साथ में आ जाएगा डी टी। तो अब हमें देखना है कि 20, देखिए ये वाला एक्स की पावर 3 है, 3 है, डी एक्स है, डी एक्स है, ये और ये हमारे पास है। तो x की पावर 3 dx ऐसे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा dt टी बाई 20। तो हम इसकी वजह से हम ये चीज लिख सकते हैं। तो अब हम इसको देखने जा रहे हैं, तो ये क्या है x स्क्र dx, तो यहाँ हम लिख देंगे dt टी बाई 20। तो ये क्या था अंडर रूट, इसको हमने क्या फिल किया था t, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1/20 इंटीग्रेशन, तो ये टी की पावर अंडर रूट है, इसको लिखेंगे 1/2 और साथ में आ जाएगा डी टी। अब हमने जस्ट इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैंने बताया था 1/20 इसका क्या हुआ टी की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा टी की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3/2, 2 इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3/2 आ जाएगा और नीचे भी हम 3/2 लिख देंगे। प्लस क्या आएगा, प्लस हमारा आ जाएगा c, और ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 1/20 और ये बन जाएगा 2/3, ये 3/2 है ऑपोजिट बन के 2/3 बन जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c, और ये कट जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1/30, तो ये आ जाएगा 1/30। ठीक है, तो ये क्या है, हमने पुट क्या किया था t की वैल्यू 3 प्लस 5 x की पावर 4, तो यही पुट किया था, इसकी पावर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस क्या बन जाएगा c। तो इतना इजी था, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर वो क्लास प्लस वन में और डिप्लोमा में और जो आईआईटी की जेई मेन की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन डालता ही डालता है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो जो बेसिकली डिप्लोमा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं हमारा जो प्लस वन प्लस टू कर रहे हैं उनके लिए 3 मार्क्स का है। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।